जो 1992 बाबरी मस्जिद ढाई गई सी तो उदो बहुत सारिया जिहड़ियां खेतरी पार्टियां ने उन्होंने भारतीय जनता पार्टी नालों नाता तोड़ लिया से और घट गिनतियां पार्टियां दे जिहड़े लीडर ने वह भी बीजेपी तो मूँह फेर चुके से। इस मौके प्रकाश सिंह बादल होना ने बीजेपी के नाल हाथ वधाया अगे और नाल दी नाल जो वाजपाई की सरकार बनी तो उस सरकार के बनाने वेच प्रकाश सिंह साहब बादल का सब तो वड्डा हाथ से। उदों भी जो प्रकाश सिंह बादल होना की एक वोट कारण वाजपाई साहब देश के प्रधानमंत्री बने से। एक किस्सा भी असं तुहाडे नाल सांझा करेंगे कि पूरा मसला की असल दे विच। और सब तो वड्डी गल है कि प्रकाश सिंह बादल ने बीजेपी की सरकार बनाई सी, अटल बिहारी वाजपाई सरकार की बनाई सी और बाबरी मस्जिद तो बाद बीजेपी नू साथ देने वाले वो पहले खेतरी पार्टी के लीडर सन और पर्दे के पिछे रह के उन्होंने NDA नू कट्ठा किया तो फिर देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेई बने से। पंजाब के 5 वार मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल, चाहे सेंटर से उन्होंने घट रहे ने बादल साहब सिर्फ 3 महीने सेंटर से वजीर रहे ने, लेकिन नैशनल पॉलिटिक्स के अपनी सियासी समझ कारण वह उन्होंने अपना लोहा मनवाया सी। सेंटर लैवल पर भी वो एक वड्डे लीडर सन, उन्हों का कहना क्या कोई भी मोड़ते सी, चाहे वह कोई साउथ भारत के लीडर हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे रामविलास पासवान हो, चाहे नीतीश शरद यादव हो, बहुत सारे इदा के लीडर ने जिहड़े प्रकाश सिंह बादल नहीं मोड़ते, चाहे जो जिन्हें भी नैशनल लैवल के लीडर सन। और सब तो वड्डी गल है कि 1992 जो बाबरी मस्जिद को ढाया गया उस तो बाद बीजेपी नाल जिहड़े साथ देने वाले जिहड़े डटे से लीडर उन्होंने एक सन प्रकाश सिंह बादल, जो मिनोरिटी कम्यूनिटी तो आते, मतलब घट गिनतियां तो आते, सिख भाईचारे तो सी। और 1996 तो लैके 1999 दौरान बीजेपी तो लोग बहुत सारे दूर हो चुके सी, खास करके जिहड़े खेतरी पार्टियां सी वो दूर हो चुकिया सी, क्योंकि जिवें देश अंदर मुस्लिम भाईचारा भारतीय जनता पार्टी नफरत कर लग पिया सी बाबरी मस्जिद तो बाद, लेकिन फिर वो सारिया पार्टियां इकट्ठा करने विच अगर किसी का रोल सी, किसी की भूमिका सी, वह सी प्रकाश सिंह बादल दी। और पंजाब विच भी बीजेपी तो श्रोमणी अकाली दल का जिहड़ा अंदरूनी जिहड़ा विरोध लगातार हुंदा रहा, लेकिन उस विरोध के बावजूद भारतीय जनता पार्टी प्रकाश सिंह बादल होना नहीं छड्डिया। और सब तो वड्डी गल है कि जिहड़े बादल साहब के सेंटर लैवल के जिहड़े किस्से जिहड़े असीं तुहाडे नाल सांझे कर रहे हैं कि जदों अटल बिहारी वाजपेई की 13 दिन की सरकार का भी समर्थन प्रकाश सिंह बादल साहब होना किया, गल 1996 की आ, जो लोग सभा चोणों में बीजेपी देश भर के 160 सीटा आईया सी, तो उस समय नैशनल लैवल की सब तो वड्डी पार्टी उभरी सी, जबकि कांग्रेस पार्टी उस समय 1996 140 सीटा आईया सी। तो अकाली दल ने पंजाब दियां 13 लोकसभा सीटा चो 8 सीटा जितियां सी, ते उन्होंने फिर सारे जिहड़े अकाली दल दे जिहड़े लोकसभा मैंबर सी ओ प्रकाश सिंह बादल होणी लैके उन्होंने दिल्ली पहुँच के, तो उस तो बाद उन्होंने बीजेपी के जिहड़े उस समय के वड्डे लीडर सी अटल बिहारी वाजपेई उन्होंने मुलाकात करके अनकंडीशनल सपोर्ट की हैगी ने, तो शर्तों के नाल भी सपोर्ट की जा सकती, लेकिन प्रकाश सिंह बादल नाल बिना शर्त जिहड़ा वो उन्हां दा समर्थन किया हैगा। जो प्रकाश सिंह बादल होना ने बिना शर्त हमायत कर दिती सेंटर सरकार की श्री अटल बिहारी वाजपेई दी, फिर हरियाणा में उस समय ओम प्रकाश चटाला की जिहड़ी इंडियन नैशनल लोक दल पार्टी वो 4 MP सन, तो प्रकाश सिंह बादल के कहने ओम प्रकाश चटाला ने भी वाजपेई नूं समर्थन दे दिता, जदों कि शिवसेना पहला तो बीजेपी के नाल सी, उसके बावजूद जिहड़े जिहड़े अटल बिहारी वाजपेई ने वह बहुमत साबित नहीं कर पाए सी, लेकिन 31 मई 1996 में उन्होंने 13 दिन की जिहड़ी सरकार वो डिग गई सी, तो उस समय प्रकाश सिंह बादल ने बहुत वड्डा रोल निभाया सी कि जिन्हें खेतरी पार्टियां उन्होंने इकट्ठा किया। जो वाजपेई की 13 दिन की सरकार डिग पई, उस तो बाद देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री बने, वाजपेई ने इस्तीफा देने तो बाद अगले दिन ही जानी 1 जून 1996 में जिहड़े 24 छोटे मोटे जिहड़े खेतरी दल सी उन्हां दे इक नहीं गल बनी हैगी। उस तो बाद 1 जून जो वाजपेई साहब ने इस्तीफा दे दिता, फिर 1 जून 1996 में 24 जिहड़े होर दल इकट्ठे होकर उन्होंने एक संयुक्त मोर्चा बनाया, तो और उस संयुक्त मोर्चे ने HD देवेगौड़ा अपना
उप चुन लिया, लीडर चुन लिया है। तो ये कांग्रेस ने उदों समर्थन किया है। तो फिर कांग्रेस के समर्थन से 24 छोटे मोटिया पार्टिया के समर्थन एच डी देवगौड़ा देश के दे प्रधानमंत्री बने। वाजपेयी की सरकार बनने तो बाद श्रोमणी अकाली दल ने दे कई जेडे संसद आ वो जिहड़ा नवा जिहड़ा मोर्चा बनया सी जिहदे प्रधानमंत्री देवेगौड़ा बने ने उन्हां नाल चलन की सलाह दे रहे सी, लेकिन प्रकाश सिंह बादल ने सख्त कहिंदे लहजे च इनकार कर दिता सी। उन्हां कहा सी कि देवगौड़ा नूं कांग्रेस का समर्थन है, इस करके असीं आपां उन्हां नूं सपोर्ट नहीं कर सकते। हुण 1998 जदों NDA बनया उदों 13 खेतरी पार्टियां की सरकार बनी सी। देवगौड़ा तो उस तो बाद IK गुजराल देश के दे प्रधानमंत्री बने ने। तो IK गुजराल सरकार का भी जो कार्यकाल बतौर प्राइम मिनिस्टर पूरा नहीं हो सका। और 1998 फिर मिड टर्म इलैक्शन हुई। अटल अडवाणी जोशी के उस दौर में BJP की अगवाई वाला एक नैशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA जिहड़ा अज तक है वह बनया है। और देश भर दीआं 13 जिहड़ियां खेतरी पार्टियां दे बैनर हेठ एक NDA एक ग्रुप बनया है, नैशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और सब तो वड्डा जिहदा रोल रहा वह प्रकाश सिंह बादल रहा। उस चोण दे विच भारतीय जनता पार्टी नैशनल पद्धर ते 182 सीटां आईयां और पार्लीमेंट विच वड्डी पार्टी दे तौर ते उभरी। और फिर देश दे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा बने। वाजपेयी जी 13 महीने प्रधानमंत्री रहे और फिर अप्रैल 1999 सिर्फ एक वोट कारण वो विश्वास मत हार गए। तो वाजपेयी ने इसे कार्यकाल 11 मई 1998 में दूसरा जो परमाणु परमिक्षण किया गया तो फिर 1999 के फिर मिड टर्म चुनाव हुए, जिस तो बाद वाजपेयी देश के तीजी बार प्राइम मिनिस्टर बने। इस बार उन्होंने अपना जो पूरा जो कार्यकाल 5 साल किया। तो BJP राजनीतिक जी नैशनल लैवल पर जी स्वीकार किया गया, उस स्वीकार करने जी जो रोल आ प्रकाश सिंह बादल का वड्डा रोल रहा। इस करके अज तक जे प्रकाश सिंह बादल दा चाहे देश के दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जा बाकी जे लीडर हो प्रकाश सिंह बादल उदा सन्मान करते रहे, पैरी हथ ले रहे, लाते रह गए, इन्ना ज़्यादा पूजते रहे। हुण जदों बाबरी मस्जिद ढाई गई तो BJP दे नाल कोई रलन जुड़न तैयार नहीं सी। 1992 की गल आ, जिवें सारे पता कि UP विच जदों बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया सी, उस समय मुसलमान भाईचारे की नाराजगी चलदियां सारियां देश दियां जिहड़ी सियासी पार्टियां जां जिहड़े मिनोरिटी जिहड़ियां घट गिनतियां पार्टियां सी उह BJP दे लीडर तों BJP दे लीडरां तों दूर हो गए सी। और घट गिनतियां की जिहड़ी नाराजगी दे चलदे कोई भी जिहड़ा पार्टी उह BJP दे नाल नहीं जाण नूं तैयार सी। तो उस समय प्रकाश सिंह बादल एक मिनोरिटी कम्यूनिटी के एक वड्डे लीडर सन, वो पहले नेता सन प्रकाश सिंह बादल जिन्होंने BJP ना बाबरी मस्जिद तो बाद 1996 गठजोड़ किया है। क्योंकि मनिया जा रहा है कि प्रकाश सिंह बादल सियासत की नब्ज समझण वाले वो एक लीडर सन जिन्हों का कोई तोड़ नहीं आ गई सी। उस तो बाद ही BJP का जिहड़ा भविख आ वह तय होया सी। और सब तो वड्डी गल कि भारतीय जनता पार्टी श्रोमणी अकाली दल के गठजोड़ में प्रकाश सिंह बादल 9 मास का रिश्ता दसते रहे हैं, एक दूसरे तो कभी भी अलग नहीं हुए थे। इस वजह कर जो 2014 केंद्र में BJP बहुमत मिले पूर्ण रूप दे विच, ते प्रकाश सिंह बादल की जी नौ ने हरसिमरत कौर बादल वो सेंटर दे विच वजीर बने। फिर 2019 दे विच मोदी सरकार जो दूजी बार बनी फिर हरसिमरत कौर सेंटर दे विच वजीर बने। हालांकि जिहड़ा 15 महीने किसानी अंदोलन चलिया गया खेतीबाड़ी कानूना लैके, श्रोमणी अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी नालों नाता तोड़ लिया सी ते हरसिमरत कौर ने अस्तीफा दे दिता सी। प्रकाश सिंह बादल उन्होंने नैशनल लैवल पर पॉलिटिक्स रास नहीं आई सी। जो मार्च 1977 दे विच केंद्र विच मराऊ जी दी दसाई दी दी अगवाई च जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उस सरकार दे विच प्रकाश सिंह बादल केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री बने सी। लेकिन उन्होंने नैशनल लैवल की जी पॉलिटिक्स पसंद नहीं सी। लगभग 2.5 महीने बाद उन्होंने केंद्रीय बतौर केंद्रीय मंत्री तो अस्तीफा दे दिता। तो उस तो बाद उन्होंने पंजाब की राजनीति ही अपनी किस्मत अजवाई और 5 वर्ष सूबे के CM मिले। और मुक्तसर के जिले जी लंबी विधानसभा सीट पहले गिदड़ पर फिर लंबी लगातार 10 वार उन्होंने चोण जीती हैगी। तो 11वीं जी चोण वो हार गए से। 1957 तो लैके 2022 तक उन्हें बहुत सारिया चोणा लड़िया गया। एक बार वो जड़े ने हरचरण सिंह बराड़कुरों हारे इलैक्शन गिदड़ पाए तो एक जी 2022
ज जिहड़ियां ने ओह गुरमीत सिंह खुडिया कोल हारे ने, मतलब विधानसभा सिर्फ दो इलैक्शन हारे ने। यह प्रकाश सिंह बादल के किस्से ने जिहड़े सियासत दे नाल जुड़े हुए ने। होर भी असीं तुहाडे नाल प्रकाश सिंह बादल होणा दे जिहड़े किस्से ने ओह तुहाडे नाल सांझे करदे रहांगे। तद तक तुसीं इसे तरह देखदे रहो ABC पंजाब। तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया।